मसीह की गाथा बताते हैं। कमलनाथ प्रधान के अगले की जाए आतंकन वाले दादा जी के लड़के सभी कमलनाथ की राजनीति में नहीं लाया है। कमलनाथ जी है उनने कमलनाथ जी के नाम के कारण कौन कसर नहीं छोड़ी। हम मोनिका बस्ती जी के दौरान सुने मोनिका बस्ती जी का बनवाने में थी तो सीधे शाम से सम्मान सहजाती जैसे हुआ करता था और सहजा जी जैसे मैं गई। अरे मैं मोनिका बस्ती छोड़ कर गई का बात करके आदिवासी लोग गाँव गाँव में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम भी बनवाना वाले इतना मेहनत मेहनत तो क्या करने को क्या आना चाहिए। देवरावन भैया को इस बार जिताना ही जिताना कोई भी हालत में। मैंने एक झंडा अपनी इंडिया से मेरा जिंदाबाद हमारी जारी हो रही है और छुआने के लिए हम लोग मोबाइल अगले बार प्रत्याशी का चुनाव करे ना उसको अच्छे से खुद हो जाके देख लेना कहीं इधर उधर ना बिल्कुल मार दे। कमलनाथ जी के बारे में चलो ये कमलनाथ जी की गाथा बताते हैं। आपको कमलनाथ प्रधान सुनाता हूँ जनता जनार्दन से कमलनाथ प्रधान की पहले पर कमलनाथ जी सुनवा रहे नहीं आप दुकानदार आप सब यही पैदा हुए पहला पर दूसरा पाते है कि कमलनाथ जी की चार वोट है लेकिन करीब 50-55 सालों के बलवा राजनीति यहाँ पर चल रहा है। अगले बार कमलनाथ जी बीजेपी में लेकिन बीजेपी वाले ने भी ऐसा मार के उनसे दूसरा बना दिया। इस तरह मेरे मेंबर का क्या करने को क्या आनंद एक ही जगह में बीजेपी का ब्लॉक अध्यक्ष की फोटो रहती है ना तो ज्यादा वोट मिल जाता है उनकी फोटो नहीं मिल रही। बीजेपी के महिला मोर्चा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष की फोटो रह जाती है ना चार वोट ज्यादा मिलती है जब फोटो को जल्द वोट पाएंगे। अब क्या बताएं हमारे साथ इसलिए निकल रहे थे हम बोलने नहीं चाह रहे थे लेकिन हमारे राष्ट्रीय प्रधान की अगली कथा यह है कि हमारे बीच में जो नकुलनाथ जी है उनने कमलनाथ जी के नाम के कारण कौन कसर नहीं छोड़ी। और एक लाख बोल चढ़ गए अरे जो कमलनाथ का घर कहा जाता था तुम्हारा जिला आज देखिए बीजेपी के वंचित होती रही उस खुशी में हरा के जनता बोले जी को भी काम कर चुनाव ये कमलनाथ प्रधान की अगली कथा यह है कि कमलनाथ प्रधान ने हम कमलनाथ जी का शरीर साथ नहीं देता है उनका लड़का ही निकम्मा निकल गया है राजनीति नहीं समझ रहा है। हम जनता कह रही कमलनाथ जी कोई अच्छे नेता ढूंढ के लाओ और अमर वाले की जनता के बीच में उसे खड़ा करके विधायक बनाओ। लेकिन बड़ी दुख की बात है अमर वाले में भी कमलनाथ जी का एक हफ्ते तक कोई नया कोई नहीं मिला था। कमलनाथ प्रधान के अगले की जाए आतंकन वाले दादा जी के लड़के सभी कमलनाथ की राजनीति में नहीं लाया है। कमलनाथ प्रधान की अगली कथा यह है कि कमलनाथ बहुत जल्दी पढ़ के खत्म होने वाली है और वो यह विस्तार लेकर हमने बंगाल लड़ने वाली है वाली है। हमने बताओ जनता जनार्दन और किसकी प्रधान आपको सुनना है भाजपा के आदिवासियों के पहला चरण का दूसरा चरण यह है कि भाजपा के आदिवासी लोग गाँव गाँव में जाते हैं तो बोलते हैं कि हम भी बुलवाना वाले हैं हम भी बुलवाना वाले हैं। मैं मोनिका बस्ती प्रधान सुनाता हूँ हम मोनिका बस्ती जी की प्रधान सुने मोनिका बस्ती जी ने प्रधान बनने की उम्मीद से बीजेपी ज्वाइन करी थी और ज्वाइन करने के बाद स्वयं बीजेपी के लोगों ने उसको चुनाव हरा के बोलते उम्मीद पर दिखा दिया पहले से हुई कि मोनिका बस्ती ने बोली थी कि बीजेपी के लोग जहाँ बस्ती जी खत्म हुए थे वहाँ पर बीजेपी के लोग सही अस्पताल में लेते थे कहीं मिले थे तो हाथ धो सकता है और बाद में मोनिका बस्ती उन्हीं के घर जाकर अगले लोग हम मोनिका बस्ती जी कह रही है कि मैं तुम्हारी पार्टी का विकास करने नहीं आई हूँ बीजेपी विधायक बनाओ विधायक बनाओ मुझे विधायक बनाओ।
अब धोनी का बच्ची जी का बनवाने में थी तो तेरे जान से सम्मान सहजाती जैसे हुआ करता था और जैसे ही जिसे तू मैं गई तो तेरी काला बच्चा भी उनको नहीं जुड़ रहा है तो जाना चाहिए। अब बीजेपी के लोगों ने मोनिका बच्ची को तो ले लिए लेकिन मोनिका बच्ची बीजेपी के प्रचार का तो बनी पड़ी है। और आयोग ने जनजाति आयोग में अपने के पास एक बना करके दवा बना रही है। अच्छा लास्ट में हेमंत फोटो नहीं देखी। अरे मैं मोनिका बच्ची फोटो देखेगा इन्हें देखेगा इन्हें देखेगा जी छोटे साइड करना रे थोड़ी उधर खस को गए उत्तम भैया के सरकार में था कोई नहीं था आदिवासियों ने बीजेपी में लेकिन आज उत्तम भैया की फोटो न यहाँ है न यहाँ। कहाँ के आदिवासी भाजपा के आदिवासियों का प्रधान ये है कि उनकी फोटो पोस्टर मिली। सबसे बड़े नेता थे सम्मानीय दादा प्रेम नारायण ठाकुर जी। अब भाजपा की नाक बचाने वाले भाजपा के नेतृत्व करने वाले दादा प्रेम नारायण ठाकुर जी की फोटो नहीं आते थे यही सम्मान हो रहा है हमारे लोगों से फोटो निकाल के क्या प्रेम नारायण ठाकुर दादा की फोटो निकली है क्या उत्तम भैया की फोटो निकली है क्या हमारी बहन बस बारिश नहीं होती तो मुझे याद आता। अभी सारा कार्यक्रम चल रहा लेकिन हम आ गए क्योंकि हम बहुत ज़्यादा भीग गए थे और तबीयत खराब हो जाएगी करके ये सोच के हम आ गए। जल्दी आ गए एकदम तक अरे पानी गिरा तो भी नहीं गिर जा क्लास लगा था। तो गाइस मम्मी पापा आए थे तो उन्होंने मुझे दिए समोसे। जब भी आते हैं तो हमारे लिए समोसे ही लेके आते हैं और कुछ नहीं लाते ओनली समोसे लेकर आता है क्योंकि मुझे समोसे पसंद है। गाइस धमकी तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक समोसा खिलाऊंगी अगर सब्सक्राइब करोगे तो ये लो अपने अपने समोसे उठा लेना जो सब्सक्राइब करेंगे। तो गाइस आप भी 4 नंबर की बटन जरूर दबाना देवरावन भैया को इस बार जिताना ही जिताना कोई भी हालत में। तो मेरा भी आग्रह निवेदन सबका है मम्मी पापा भी वहीं पर आए थे क्या बोलते हैं रैली में शामिल होने के लिए और वो रैली में शामिल होने के पश्चात मुझे पता नहीं था कि वो आए करके क्योंकि मैं कॉल कर रही थी तो कॉल ही नहीं लग रहा था फिर मैंने मोबाइल को साइलेंट कर लिया रख ली थी। शायद उन्होंने कॉल किए भी थे लेकिन मैंने देखी नहीं। मिलते हैं आप सभी को एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए खुश रहिए ठीक है टाटा बाय बाय जजवार बाय बाय करो हाँ।